नमस्ते फ्रॉम गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, और वो इसलिए है क्योंकि अगर आप नॉर्वे में हैं या फिर आप नॉर्वे मूव हो रहे हैं और आपका जो बच्चा है वो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है, तो आप एज अ पेरेंट उससे क्या चीज़ें ऐसी करवा सकते हैं सो दैट योर किड इज़ मोर रेडी व्हेन ही गोज़ टू द स्कूल। इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में बता देता हूँ, और वो है पेपेनी, विच इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एंड ईजिएस्ट वे ऑफ सेंडिंग मनी फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। तो चलिए बात करते हैं हाउ टू गेट योर किड रेडी फॉर द स्कूल। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे बात करते हैं कि दो कैटेगरी के लोग होंगे। एक जो कि ऑलरेडी नॉर्वे में है, जिसका मतलब है कि उनका बच्चा जो है वो यहाँ के किंडरगार्टन या बारनहागे से पढ़कर स्कूल जा रहा है। और दूसरी कैटेगरी है कि सपोज आप किसी भी देश से नॉर्वे आ रहे हैं। तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये इन दोनों कैटेगरीज को दिमाग में रख के ये जो पॉइंट्स है वो हमने डिस्कस करे हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो है जी लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चे को नॉर्वेजियन स्कूल फॉर एग्जांपल भेज रहे हैं, या चलिए ये मान लीजिए कि आप उसे इंटरनेशनल स्कूल भेज रहे हैं, तो जो भी वहाँ की मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है वो बच्चे को आनी ही चाहिए। जैसे एवा जो है वो जाती है नॉर्वेजियन स्कूल, तो यहाँ पे सिंस वो यहाँ के किंडरगार्टन से गई थी तो उसको लैंग्वेज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, राइट। बट जनरली अगर आप सपोज किसी और देश से नॉर्वे आ रहे हैं, तो फॉर लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल ये कि आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हैं, और जनरली क्या होता है कि इंडिया में बच्चे अपनी मदर टंग में बात करते हैं, राइट, या फिर इंग्लिश में बात करते हैं, और आपने सोचा कि मुझे नॉर्वेजियन स्कूल में अपने बच्चे को भेजना है, तो इसका मतलब ये है कि आप डेफिनेटली पूरी लैंग्वेज तो उसको नहीं सिखा सकते, बट एटलीस्ट कुछ वर्ड्स जैसे है कि भाई हेलो कैसे होता है, या बाय कैसे होता है, फूड कैसे होता है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो आपको लगता है वो आपको उसको सिखाने ही सिखाने हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि स्कूल में हेल्प नहीं मिलती, बट आई थिंक स्टिल इफ़ योर किड एंड इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, तो जो चांसेस होते हैं कि बच्चा ज़्यादा शर्माएगा या फिर वो इंटरेक्ट नहीं करेगा औरों के साथ, वो बहुत कम हो जाता है, राइट। तो एज अ पेरेंट ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने बच्चे को जो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो हम अपने बच्चे को सिखाएं। तो लैंग्वेज इज़ द नंबर वन पॉइंट। चलिए तो दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, और वो है रिलेटेड पॉइंट, और वो है जी अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना। तो अगर तो आप नॉर्वेजियन सिस्टम में ऑलरेडी हैं और आपका बच्चा जाता है यहाँ के किंडरगार्टन, तो वो इंडिपेंडेंट ऑलमोस्ट हो ही जाता है। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि जब वो बारनहागे में होते हैं, तो जैसे सपोज़ कीजिए उन्हें जो है अपने क्लोथ्स को शिफ्ट करना है जब वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे वो खुद करते हैं, खाना जो है वो खुद करते हैं, सब कुछ, तो थोड़ी सी उनमें इंडिपेंडेंस होती है। बट स्कूल में आई थिंक ये थोड़ा एक लेवल और अप हो जाता है, और वो होता है कि उन्हें खुद ही जो है खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जैसे कि SFU जो यहाँ का एक फ्री एक्टिविटी या फ्री टाइम होता है आफ्टर स्कूल, वहाँ पे जनरली 2 बजे के आसपास बच्चे को एक मील मिलती है, और उसमें बच्चे को जो है जी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो इंडिपेंडेंस और साथ ही साथ उसमें थोड़ी सी पेशेंस डेवलप करना, तो कुछ चीज़ें जिसमें कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो सकता है और आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है कि कैसे खाना खाएं, टॉयलेट में जब जा रहे हैं तो हाउ टू यूज़ द वॉशरूम, ठीक है, एंड हाउ टू क्लीन आफ्टरवर्ड्स। हाथ धोना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई वहाँ उनके सामने नहीं होगा कि वंस दे गो टू द टॉयलेट उन्होंने हाथ धोए कि नहीं धोए, राइट। डेफिनेटली स्कूल में इतना कोई फॉलोअप नहीं कर सकता क्योंकि देर आर प्लेंटी ऑफ अदर किड्स एज वेल, तो ये जो हैबिट्स है ये आप ही को उनमें इनकलकेट करनी पड़ेगी, राइट। और साथ ही साथ अपनी ड्रेस चेंज करना, जैसे कि मैंने पिछला पॉइंट पे बताया, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन चीज़ों में आपको अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट और साथ ही साथ पेशेंस जो है वो भी लानी है। पेशेंस कैसे है कि अगर आपका बच्चा थोड़ा ज़्यादा उछलने कूदने वाला है, तो उनको आप प्रैक्टिस कराएंगे भैया 10 मिनट यहाँ पे बैठो बिना कुछ किए, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। गाइस, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, आप ये भी सोच रहे होंगे कि भैया अच्छा मेरा बच्चा जो है पहले दिन स्कूल जा रहा है, व्हाट ऑल शुड बी पैक्ड, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है विच यू कैन ईजिली चेक ऑन द लिंक। और साथ ही साथ अब बात करता हूँ इस वीडियो के स्पॉन्सर्स की। तो देखिए, हमारी एक ड्यूटी हम NRIs की ये भी होती है कि वी आर कॉन्स्टेंटली सेंडिंग मनी बैक टू इंडिया, राइट। तो मैंने कई प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए हैं, और आजकल जनरली मैं जो यूज़ करता हूँ विच आई फाइंड वेरी वेरी इफेक्टिव, दैट इज़ पेपेनी। तो पेपेनी क्या है, जस्ट लाइक अदर मनी ट्रांसफ़र ऐप्स, पेपेनी भी जो है एक वैसी ही ऐप है, बट इसको और ऐप से कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे या इसमें क्या फ़ायदे हैं, वो ये है कि एक तो आपको जो रेट्स हैं वो आपको वन ऑफ द बेस्ट रेट्स मिलेंगे। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे जनरली एक्सचेंज रेट मिलता है नॉर्वेजियन NOK टू INR, तो उससे अच्छे रेट्स मिलेंगे। उसके अलावा जो है जी, ये दे आर नॉट चार्जिंग एनी काइंड ऑफ कमीशन, क्योंकि कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि कमीशन चार्ज करते हैं, दे डोंट डू दैट, तो इट्स 0% कमीशन।
सपोर्ट सर्विस जो है इनकी दैट इज़ एक्सट्रीमली वंडरफुल, 24/7 यू गेट अ वेरी गुड सर्विस. साथ ही साथ अगर आप रेफर करते हैं इस ऐप को, यू ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी. पे पैनी से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना केवल यूरोप से बैक टू इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम यूके और कैनेडा. तो गिव इट अ शॉट गाइस, जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर एंड स्टार्ट ट्रांसफरिंग मनी बैक होम टू योर लव्ड वंस. चलिए वापस आते हैं अपनी टॉपिक पे. अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि आपको अपने बच्चे को अवेयर कराना है कि एक बैड बिहेवियर क्या है, एक अच्छा बिहेवियर क्या है. ठीक है, व्हाट इज़ अ बैड टच, व्हाट इज़ अ गुड टच, ये सब ये तो डेफिनेटली आपको जब वो 4 साल का या 5 साल का है आपको जो है इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है. क्योंकि नॉर्वे में भी ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, कि जहाँ पे थोड़ा सा मिसबिहेव हुआ है बच्चों के साथ. देर आर आई वुड से सम पीडोफाइल्स, यू नो, ये हो सकता है किसी के साथ. आई एम नॉट सेइंग कि ये सिर्फ नॉर्वे में है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम एवरीवेयर. तो आपको इस चीज़ के लिए बताना है. बुलिंग क्या होती है, कई बार बच्चों को पता नहीं होता है. ठीक है, तो वो अगर आप डेफिनेटली नॉर्वे में अपने बच्चे को पहली बार डाल रहे हैं तो क्या पता वो बुलिंग से हो. एक तो उसको लैंग्वेज नहीं आएगी, एक तो बेचारा इंडिपेंडेंट नहीं होगा, और साथ ही साथ जो प्रॉब्लम है वो बुलिंग की भी है. तो ऐसे केस में हो सकता है कि वो स्कूल जाने से कतराए. राइट, तो आपको समझना है कि बच्चे स्कूल के लिए, अगर सपोज वो कहते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना, आई डोंट इन्जॉय, तो यू हैव टू टॉक टू द किड एंड यू हैव टू प्रिपेयर हिम फॉर एनीथिंग वर्स्ट दैट कैन हैपन. राइट, तो ये हम जनरली बोलते हैं कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने एवा के साथ, हमने तो क्या बोलूँगा मैं, श्रेय ज़्यादा शैलजा को दूंगा जिसने कि ये ज़्यादा चीज़ें एवा को बताई है. ठीक है, अगला पॉइंट है वो है थोड़ा सा फिजिकल स्किल्स से रिलेटेड. वो अगेन, अगर तो बच्चा यहाँ पे किंडरगार्टन में जा रहा है तो इनको जनरली ऊथ पर टूर का मतलब होता है इनको बाहर ही रखा जाता है, चाहे बर्फ़ है चाहे समर्स है. ठीक है, समर्स में तो बच्चा इंजॉय करता है, बट बर्फ़ में जब स्नो होती है, विंटर है और डार्कनेस है, तो कई किड्स जो हैं दे डोंट एंजॉय. तो स्कूल में इनको स्की के लिए भी ले जाया जाएगा. तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि आपको बच्चे को बताना है कि हाँ भाई अब ये होगा. तो यू नो कि फिज़िकली आपके बच्चे को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है आपको. और वो कैसे बना सकते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए आप उसको बर्थडे गिफ्ट में स्किपिंग रोप दे दो सो ही कैन स्किप, और सैटरडे संडेज को रादर देन यू नो पूरे दिन टीवी देखे आप उसको बाहर ले जाओ, यू ऑल्सो बी आउट, और उसको थोड़ी सी जो ये बोलते हैं वॉकिंग कराओ, थोड़ी सी जॉगिंग कराओ. एंड बच्चों को बोलने से नहीं होगा, ये आपको खुद भी करना पड़ेगा. तो अगर आप खुद करेंगे तो बच्चा जो है वो तो आपकी छाप है, वो डेफिनेटली खुद करेगा. जैसे मैं थोड़ी बहुत योगा करता हूँ तो एवा मेरे को देख के थोड़ी बहुत योगा भी कर लेती है. तो ये हमने देखा है कि अगर आप ये जो है फिज़िकल एक्टिविटी करोगे, जो कि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने मिड 30s या 40s में हैं, तो आपका बच्चा वो है नेचुरली ही और शी विल फॉलो. तो फिज़िकल जो है स्टेबिलिटी और फिज़िकली स्टाउट होना बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है. और चलिए अगला पॉइंट जो है वो है कि आपको अपने बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाई जो है वो भी करवा लेनी चाहिए, जैसे कि राइटिंग हो गई. डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि स्कूल में दे एक्सपेक्ट ओके, तो बट जनरली हमने थोड़ी सी एवा को करवा दी थी, थोड़ी सी रीडिंग, थोड़ी सी राइटिंग. इंग्लिश तो इसकी अच्छी थी ही, और नॉर्वेजियन जब ये पढ़ती है तो हमारी भी इम्प्रूव होती है, और मैथ्स इज समथिंग जो कि आई थिंक इंडियंस का फेवरेट है ही. तो ये सब चीज़ें हमने थोड़ी सी कर ली थी. और ये थोड़ा सा जो होता है बच्चे में कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करता है. राइट, क्योंकि उसके लिए एक एनवायरनमेंट नया है, तो उसमें उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कैसे होगा. सपोज़ कीजिए कि टीचर ने, अगर वो आपका बच्चा थोड़ा शाय किस्म का है और टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि हाँ भाई व्हाट इज़ 1+1, नॉर्स्क में होता है सब कुछ, और अगर उसको आता होगा ही विल रेज हिज हैंड, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा. राइट, उस एनवायरनमेंट में उसको और फ्रेंडली जो है एक उस एनवायरनमेंट में वो और ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा. तो इसलिए जनरली स्कूल जो है 19 अगस्त या इस वीक में जो है स्टार्ट होते हैं, और आपके पास जो टाइम होता है, और किंडरगार्टन जनरली जून में बंद हो जाते हैं. तो आप अगर नॉर्वे में हैं या फिर आपका बच्चा बाहर से आप आ रहे हैं बच्चे के साथ, तो देन यू कैन जस्ट छोटा मोटा उसको पढ़ा सकते हैं. हाँ भाई फन में ए से बी से, देर आर इंटरनेट पे, आई मीन देर आर प्लेंटी ऑफ एप्स जिसका आप यूज़ कर सकते हैं. वरना ओल्ड स्टाइल जैसे हम करते थे तख्ती और स्लेट लेके, वैसे भी कर सकते हैं, बिकॉज द ओल्ड इज़ बिकमिंग द न्यू ओके. तो ये भी चीज़ है. और लास्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, क्योंकि देखिए स्कूल जो है, अब बच्चा जो है एक बार स्कूल जाता है तो हमें याद रखना है अपना टाइम जब हम स्कूल गए थे. तो आपने अपने बच्चे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से है वो ये है कि सोशल स्किल्स और मेकिंग फ्रेंडशिप्स. ठीक है, लड़ाइयाँ भी होंगी तो आपने ये नहीं कर देना कि हाँ भाई उसके बच्चे ने ये किया है तो हम लड़ने चले जाएं कि यार उसको ऐसे क्या बोला, ये क्यों करा, वो क्यों करा. तो यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे अपने लेवल पे जो है कॉन्फ्लिक्ट एज वी से वो सुलझाएं. राइट,
तो एवा की भी फ्रेंड्स हैं, उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, सो वी डोंट इंटरफेयर अनटिल अनलेस वो कुछ बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया। तो कई बार ऐसा हुआ हुआ है कि एवा की आज ये बेस्ट फ्रेंड है, कल वो बेस्ट दुश्मन। बट देन किड्स जो होते हैं इनसे ये सीखने को मिलता है कि कोई भी आपका दुश्मन नहीं होता, यू जस्ट फॉरगिव, अच्छी बातें याद करके दे अगेन गो एंड प्ले, राइट। तो आपको बच्चे को ये भी सिखाना है, अच्छी हैबिट सिखानी है, जैसे कि मैंने पहले बताया हाथ धोना, क्योंकि देखिए आपका बच्चा है और उसकी ग्रूमिंग यहाँ पर लिखा होता है जब आप स्कूल जाते हैं, और ये बताते भी हैं कि भाई जो है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों की, बट स्टिल यू एज अ पेरेंट आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम उसको थोड़ा सिखाएंगे और बाकी आपको वो जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट घर पे भी देना है। तो ये सब चीज़ों के लिए आपके बच्चों को प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्कूल में ऐसा जो है ओरिएंटेशन सेशंस होते हैं जिसमें पेरेंट्स भी आते हैं, और फिर वहाँ से इनसे पूछा जाता है स्कूल्स में कि हाँ कौन काम करता है, क्या करता है, इनडायरेक्टली एक ड्राइंग बनाने को दे देंगे कि व्हाट काइंड ऑफ ड्राइंग आर यू मेकिंग, अगर वो थोड़ी सैड हुई तो दे विल आस्क, राइट। तो घर का एनवायरमेंट अच्छा होगा तो बच्चा स्कूल में जाके भी अच्छा ही करेगा, दैट इज़ आर आई वुड से जो हमारा एक्सपीरियंस है अभी अभी तक का, ठीक है। और स्कूल में बच्चों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेलकम होता है, जैसे कि आपको अभी वीडियो में दिखेगा जो है सेकेंड क्लास के बच्चे, सेकेंड से फोर्थ क्लास के बच्चे इनके लिए सिंग करते हैं। जो रेक्टर होती है या जिसको प्रिंसिपल बोले वो नाम लेती है, एक रेड कारपेट बिछा होता है, एटलीस्ट एवा का तो ऐसे ही होता, और फिर शेक हैंड्स करके उनका वेलकम किया जाता है, और बच्चे कई अपनी ड्रेस में आते हैं, तो इट्स अ वेरी वंडरफुल डे, समथिंग विच नन ऑफ अ पेरेंट शुड मिस। तो आई थिंक यही कुछ हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस थे जो कि हमने सीखा अभी तक। और अगर आपका बच्चा जा रहा है फर्स्ट क्लास में तो डोंट बी स्केयर्ड, नॉर्वे के स्कूल अच्छे ही हैं, चाहे इंटरनेशनल है चाहे नॉर्वेजियन है, एंड होपफुली दे हैव अ वेरी गुड फर्स्ट डे एट द स्कूल। और कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए एंड वी विल ट्राई टू आंसर इट बैक। तो जी होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने नहीं किया है। नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।